Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our video, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. Also join us on our social media, Facebook and Instagram pages. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटरमाइनर्स के बारे में. क्या होता है वो डिटरमाइनर? देखिए, जो डिटरमाइनर होते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप डिटरमाइनर्स क्या होते हैं. Determiners are words that introduces a noun and provide some information about it. तो क्या समझे? Determiners जो होते हैं, ये वो words होते हैं, वो अल्फाज होते हैं जो noun को जो है introduce करते हैं. Noun जो है एक part of speech है, इसके लिए जो है available है आपकी video, आप देख सकते हैं channel पे. तो इस noun को जो है ये introduce करते हैं, या तो इस नाउन से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, इसके मुतल्लिक जो है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. और यहीं पर आप याद रखेंगे, जो डिटरमाइनर होते हैं वो नाउन को डिस्क्राइब नहीं करते. क्या काम करते हैं ये डिटरमाइनर्स? डिटरमाइनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं नाउन को एंड प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन. अब ये नाउन क्या होता है? नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और अ थिंग, ये नाउन होते हैं. एग्जाम्पल, हमने एक बॉल लिया, सन है, कैट्स है और कार्स है. ये सारी की सारी क्या है? ये नाउन है. अब इन नाउन से पहले हम एक वर्ड लगाते हैं जिसे हम डिटरमाइनर कहते हैं. यहाँ पर देखेंगे, सन से पहले हिज है, कैट्स से पहले फाइव है और इसी तरीके से कार से पहले मोर है. पहले में देखेंगे, यहाँ पर हमने नाउन से पहले जो है वर्ड लगाया है वो द है. अब इन्हीं में से एक एग्जाम्पल लेके जो है हम उसे समझेंगे. जैसे कि हमने फाइव कैट्स ले ली. अब इस एग्जाम्पल को आप गौर से देखेंगे, फाइव कैट है. कैट क्या है? एक नाउन है. अब जो ये पीछे हमने इसके वर्ड लगाया है फाइव, ये एक डिटरमाइनर है. अब इस डिटरमाइनर का काम क्या है? कैट जो है वो एक नाउन है, हम सभी जानते हैं ये एक नाउन है, ठीक है. अब कैट के लिए जो है ये फाइव जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस कैट को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि वहां पर पांच कैट्स है, ठीक है, पांच बिल्लियां हैं, मतलब इनके मुतल्लिक कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा है. तो यही हमारे वर्ड्स जो होते हैं ये डिटरमाइनर होते हैं. डिटरमाइनर की हम क्लासिफिकेशन तो देखेंगे ही आगे, पहले ये कुछ एग्जांपल्स हैं. अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी वर्ड जो है वो डिटरमाइनर है कि नहीं कोई भी सेंटेंस में? तो हमारे पास एक तरीका है. तरीका क्या है? ये रूल है कि जो डिटरमाइनर होते हैं, जो हमारा कॉमन नाउन होता है या नाउन फ्रेज, उनसे पहले लगते हैं, ठीक है. ये नाउन है, नाउन से पहले अगर वर्ड आता है तो हम उसे डिटरमाइनर कहेंगे. अब एग्जांपल देख लेंगे. नीचे हमारा नाउन क्या होता है? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग. तो हमने यहाँ पर एक थिंग लिया और यहाँ पर हमने थिंग्स लिया. इसी तरीके से आप देखेंगे आगे थिंग्स है, फिर से थिंग्स है, यहाँ पर थिंग्स है, तो यहाँ पर थिंग्स है. ये एक ही एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा कि कितने ज्यादा डिटरमाइनर है. अब इन वर्ड से पहले जो है, इन थिंग्स से पहले हमने जो है एक वर्ड लगाया द, यहाँ पर हमने हिज लगाया, यहाँ पर हमने फाइव लगाया, यहाँ पर हमने सम लगाया, इधर फ्यू लगा दिया, इधर डियर लगा दिया, इधर सेवरल लगा दिया, यहाँ पर दोस्त लगा दिया, यहाँ पर ए लगाया, यहाँ पर ईच लगाया और यहाँ पर मैनी लगाया. ये सारे के सारे जिन्हें मैंने येलो से जो है वो शो किया है, ये सारे हमारे डिटरमाइनर है क्योंकि ये नाउन से पहले आए हैं, ठीक है. अब ये जो डिटरमाइनर है, आपने देखा द भी इसमें आ रहा है, ए भी आ रहा है, ये तो हमारे आर्टिकल भी है, ठीक है. तो आर्टिकल भी जो है वो डिटरमाइनर ही होते हैं. आगे हम पढ़ेंगे, अगर वो नाउन से पहले आते हैं, ठीक है, नाउन से पहले ही आते हैं तो हम उन्हें डिटरमाइनर कहते हैं. तो हम आगे कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे कब जो है वो सेंटेंस में वो डिटरमाइनर कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे, ठीक है. तो ये कुछ एग्जाम्पल है डिटरमाइनर्स की. हमने डिटरमाइनर को बेसिक जो है वो समझ लिया. अब हम जो है उसकी टाइप्स पे आ सकते हैं. तो हम बेसिकली जो टाइप्स की अगर हम बात करते हैं डिटरमाइनर्स की, तो उसमें हमारे आर्टिकल्स है, हमारे पोजेसिव्स है, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव्स है और हमारे पास जो है क्वांटिफायर्स होते हैं. तो ये जो चार टाइप्स है, ये हमारी जो है वो डिटरमाइनर्स की टाइप है. आर्टिकल्स को हम जो है लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके थे, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हम आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे. तो आर्टिकल जो है, देयर आर ओनली थ्री आर्टिकल्स इन द इंग्लिश. इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ जो है वो तीन ही आर्टिकल्स होते हैं. कितने आर्टिकल्स? तीन आर्टिकल. और वो आर्टिकल्स कौन कौन से है? आर्टिकल द है, आर्टिकल ए है
और आर्टिकल एन है, तो ये जो है तीन आर्टिकल्स जो है हमारी इंग्लिश अल्फाबेट्स में आते हैं। अब इन आर्टिकल्स के रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है, 2 से 3 वीडियोस पड़ी हुई आप आर्टिकल्स की, आप देख सकते हैं इन आर्टिकल्स को। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स, जो द है इसे हम कहते हैं, थोड़े से कंसेप्ट को ब्रश अप करेंगे, जो द है इसे कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। तो नॉर्मली जो है ये जो द है यानी कि डेफिनेट आर्टिकल, ये क्या काम करता है, इट नॉर्मली इंट्रोड्यूसेस अ नाउन, एक नाउन को क्या करता है ये सिर्फ इंट्रोड्यूस करता है, दैट इज फेमिलियर टू द लिसनर, जो क्या है फेमिलियर होंगे जो लिसनर जो होता है उनसे, अगर वो फेमिलियर होंगे तो वहां पर हम द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास अर्थ है, अब अर्थ जो है उसके पीछे जो है वो द अर्थ लगेगा, द अर्थ इज राउंड। अब यहाँ पर आप जानते होंगे अर्थ से जो है वो फेमिलियर तो है, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो द अर्थ इज राउंड लगा, ठीक है, क्योंकि लिसनर जो है वो अर्थ से फेमिलियर है। तो द जो है वो हमने पहले ही बोला डेफिनेट आर्टिकल स्पेसिफिक पर्पस पे लगता है, तो यहाँ पर द का यूज होगा। आगे देखेंगे द में इंट्रोड्यूस इधर अ सिंगुलर और अ प्लूरल फॉर्म, जो द है इट में इंट्रोड्यूस इधर अ सिंगुलर और अ प्लूरल फॉर्म, दोनों के लिए यूज होता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स की बात करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास एग्जांपल जो है वो ए और एन की आती है, ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं। तो इनका भी काम क्या काम होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स का, ये भी जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं नाउन को दैट इज नॉट येट फैमिलियर टू द लिसनर। एग्जाम्पल आई सॉ अ न्यू मूवी, तो यहाँ पर जो है अ न्यू लग गया, ठीक है, तो अ न्यू मूवी, तो मैंने एक नई मूवी देखी, ठीक है, अभी कौन सी मूवी है कोई स्पेसिफिक नहीं था, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज होता है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स का जो है ए और एन जो है मे ओनली इंट्रोड्यूस अ सिंगुलर नाउन। आगे पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, हमने ऑलरेडी भी इनका डिफरेंस जो है अपनी आर्टिकल्स की वीडियो में जाना है, इस पे हम ज्यादा जो है फोकस नहीं करेंगे, बट हम ये जानते हैं ए का यूज हम तब करते हैं जब कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है वो निकलती है, कोई भी वर्ड अगर स्टार्ट हो रहा है और उसकी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट निकलती है तो हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड के केस में। एग्जाम्पल टेबल है, चेयर है, यूलॉजी है, तो यहाँ पर टेबल और चेयर जो है टी ओ टी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर सी से, ये दोनों कॉन्सोनेंट है और इनके साउंड भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन नीचे वाली एग्जाम्पल में यूलॉजी में ई से स्टार्ट हो रहा है, ई एक वॉवल है बट इसकी साउंड जो है वो यू निकल रही है, वाई ओ यू की साउंड निकलती है, इसलिए ये भी एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर भी हम ए का यूज करते हैं। अब बात करेंगे हम अपने एन की, तो ये आप देखेंगे एन का, एन में क्या होता है, ठीक है, एन जो होता है ये कब यूज होता है, वॉवल साउंड्स में जो है वो एन का यूज हम करते हैं, जब भी कोई वर्ड स्टार्ट होता है उसकी साउंड वॉवल की होती है तो हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। तो एन में क्या एग्जांपल है, एन एप्पल, ठीक है, एन अम्ब्रेला, एन अवर, तो ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इस पे ज्यादा हम नहीं काम करेंगे, आगे चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अब हमारी पहली दूसरी एग्जाम्पल जो होती है वो कौन सी हमारी एग्जाम्पल है, डिमोनस्ट्रेटिव्स क्या होते हैं, डिमोनस्ट्रेटिव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये भी जो हमारे डिटरमाइनर्स कहलाते हैं, कब इन्हें डिटरमाइनर कहते हैं वो हम पढ़ेंगे। देखिए डिमोनस्ट्रेटिव्स जो होते हैं ये वो वर्ड्स होते हैं, वो अल्फाज होते हैं जिनका यूज किया जाता है, ठीक है, टू पॉइंट एट समवन और समथिंग, जब हम किसी भी चीज को पॉइंट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं किसी भी चीज को या किसी भी इंसान को अगर हम पॉइंट आउट करते हैं तो वहां पर हम डिमोनस्ट्रेटिव्स का जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। एग्जांपल समझेंगे, हमारे पास एक रूम में बुक पड़ी हुई है, या ठीक है एक रूम है हमारे पास, इस रूम में जो है वो एक बुक पड़ी हुई है, सपोज यहाँ पर है, अब इस बुक को जो है हम कैसे कहेंगे ये हमारे पास जो है देखना होगा आपको, ठीक है, तो यहाँ पर हम डेमोनस्ट्रेटिव का यूज करते हैं, अगर सिंगल बुक है, एक सिंगल बुक है या एक से ज्यादा बुक्स पड़ी हुई है इन दोनों में, तो इसलिए हमारे पास जो डेमोनस्ट्रेटिव जो होते हैं वो चार होते हैं, देयर आर 4 डेमोनस्ट्रेटिव्स जो सिंगुलर में भी यूज होते हैं प्लूरल में भी, तो जैसे कि डेट बुक, ठीक है, दिस टाइम, दीज प्लूरल के लिए, दीज आइडियाज, दोस चेयर्स, ये डेमोनस्ट्रेटिव्स होते हैं, आगे समझेंगे इन्हें।
अब हमारे पास सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव्स में जो है वो दिस और डैट आते हैं, और प्लूरल में जो है हमारे पास दीज और दोज आते हैं। ये हमारे पास चार आते हैं, ये आप समझ लेना। अब हम समझेंगे, इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड अ डिटरमाइनर ए डेमोन्स्ट्रेटिव मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। देखिए, एक डिटरमाइनर को हम तब कह सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव जब ये फॉलो करेगा, इसके बाद जो होगा नाउन आएगा या नाउन फ्रेज आएगा। एक एग्जांपल देखेंगे हम, पहली अपनी एग्जांपल देखेंगे जो हमारी एग्जांपल नंबर वन है, ये वाली, ये एग्जांपल हम देखेंगे। देखिए, एक एग्जांपल है, आई लाइक दिस रूम, मैं इस रूम को पसंद करता हूँ। दिस जो है रूम से पहले जो है वो दिस आया, मतलब दिस के बाद जो है एक नाउन आया, रूम जो है वो एक नाउन है। तो आई लाइक दिस रूम, तो दिस जो होगा इस सेंटेंस वन में वो एक डिटरमाइनर होगा, क्योंकि उसके बाद नाउन आता है और या नाउन फ्रेज आता है, तो वो एक डिटरमाइनर कहलाएगा। अब अगला सेंटेंस हम देखेंगे, और अगला सेंटेंस हमारे पास है आई लाइक दिस, या सेंटेंस हमारे पास आई लाइक दिस। तो यहाँ पर जो दिस है इट इज नॉट अ डिटरमाइनर, क्योंकि इस दिस के बाद जो है वो नाउन फ्रेज नहीं आया। तो हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं सेंटेंस टू में, बिकॉज द डिटरमाइनर्स नीड टू प्रोसीड नाउन फ्रेज, इन सेंटेंस टू नो नाउन फ्रेज फॉलोज द वर्ड दिस। तो इस वजह से इस सेंटेंस में जो होगा ये डिटरमाइनर नहीं होगा। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे, यहाँ पर कुछ एग्जांपल है जो कि मैंने ऑक्सफोर्ड जो है ग्रामर से जो है कुछ लिए हुए एग्जाम्पल्स है। तो Is the underlined word a determiner? क्या underlined word जो है वो determiner है? तो हमारे पास कुछ sentence दिए गए हैं, ठीक है? तो पहला sentence जो होगा वो क्या होगा? John likes that movie. तो इस sentence में हम देखेंगे कि John जो है likes that movie. ये sentence में. अब यहाँ पर जो that का use किया गया है, वो किस reference के लिए किया गया है? Movie के लिए किया गया है. तो यहाँ पर जो movie है, इसके लिए डेट का यूज किया गया है। और हमने कहा जब भी एक हमारे पास जब भी जो भी डिटरमाइनर होगा, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव होगा, उसके बाद अगर जो है नाउन या नॉन फ्रेज आता है तो वो हमारा डिटरमाइनर कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव। अगला हम एग्जांपल देखेंगे, डेट इज द बेस्ट। तो यहां पर भी जो होगा ये डिटरमाइनर ही कहलाएगा, ठीक है। अगली एग्जाम्पल, डेट गाय इज अ नाइस, और ये भी जो है नाउन से पहले आया है, तो यहाँ पर भी जो है वो जो है गाय जो है डेट जो होगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव जो है वो डिटरमाइनर कहलाएगा, ठीक है। डेट इज द बेस्ट, अब यहाँ पर जो है आप देखेंगे जो भी हमारे मॉडिफायर होते हैं, जो भी नाउन को जो है मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, जैसे कि एडजेक्टिव है, जो नाउन की क्वालिटी को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, तो वो भी जो है उनसे पहले भी जो है डिटरमाइनर का यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर सेंटेंस देखेंगे फोर, जॉन थिंक्स डैट, अब यहाँ पर जो है एप्पल्स तो है आर टेस्टी, बट यहाँ पर जो है वो बात की गई है जॉन थिंक्स डैट, ठीक है। तो डैट जो होगा इस सेंटेंस में इज नॉट अ डिटरमाइनर, बिकॉज इट इज नॉट यूज टू पॉइंट एट एप्पल। ये जो डेट का यूज किया गया है ये एप्पल के लिए नहीं किया गया है, ठीक है, इस बात को समझना है। यहाँ पर जो डेट का यूज किया गया है वो जॉन से रिलेटेड है, कि जॉन थिंक्स डेट, कि वो ऐसा सोचता है, लेकिन एप्पल्स के लिए जो है वो नहीं किया गया है। और जो है नाउन से जो है वो एप्पल जो नाउन है, तो नाउन से जो होगा वो पहले आना चाहिए, बट उसी के रेफरेंस से आना चाहिए, उसी को वो पॉइंट आउट करना चाहिए, क्योंकि हमने डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या भी पढ़ा, डेमोन्स्ट्रेटिव जो होते हैं वो पॉइंट आउट करते हैं। हमने इसकी डेफिनेशन जो पढ़ी वो क्या हमने पढ़ा, टू पॉइंट आउट समवन और समथिंग, जो किसी को जो है पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नहीं नेक्स्ट टाइप देखेंगे पोजेसिव्स की। पोजेसिव्स का मीनिंग आप समझेंगे, पोजेसिव्स क्या होता है, जहाँ पर अपना हक जमाते हैं, कोई भी चीज़ है आप वो आपकी है तो आपका पोजेशन में है, ठीक है। तो हम बोलेंगे जैसे कि ये मोबाइल है, ये आपका मोबाइल है, तो हम बोलेंगे हिज मोबाइल, हर मोबाइल, ठीक है, इस तरीके से जो है होगा, या राजूज मोबाइल, इस तरीके से हम यूज़ करते। तो जहाँ पर भी पोजेसिव्स होंगे
वो वर्ड्स होंगे जो यूजली इंडिकेट क्या करते हैं, पोजिशन को इंडिकेट करते हैं या तो बिलोंगिंग को करते हैं। अब किस चीज की, ये भी जो है इंफॉर्मेशन जो देंगे वो नाउन के ही रिलेटेड देंगे। तो डेफिनेशन देखेंगे, पोजेसिव आर द वर्ड्स, वो वर्ड्स होते हैं डेट यूजली इंडिकेट पोजेशन, जो क्या इंडिकेट करते हैं, पोजेशन और बिलोंगिंग्स ऑफ ए नाउन, और क्या करते हैं, और बिलोंगिंग्स ऑफ ए नाउन। तो पोजेसिव कौन से वर्ड्स होते हैं डेट यूजली इंडिकेट जो है, जो यूजली क्या इंडिकेट करते हैं, पोजेशन और बिलोंगिंग ऑफ ए नाउन, तो उन्हें हम पोजेसिव कहते हैं। तो आप समझेंगे यहाँ पर पोजेसिव क्या होते हैं। पोजेसिव जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर द वर्ड्स, वो ऐसे अल्फाज होते हैं डेट यूजली इंडिकेट पोजेशन, जो यूजली क्या इंडिकेट करते हैं, पोजेशन को जो है वो इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, जैसे कि पहले तो आप समझ के पोजेसिव क्या होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं डेट यूजली इंडिकेट पोजेशन और बिलोंगिंग ऑफ ए नाउन। कोई भी नाउन होता है उसका हक जब बताते हैं कि ये उसकी चीज है या नहीं है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, हिज बर्थडे, तो बर्थडे जो है किसका है, ये उसका बोल रहे हैं कि उसका बर्थडे है। बुक है, बुक का हक जताया है सैम ने, सैम्स बुक है, सैम की बुक है। आइडिया है, तो ये आइडिया किसका है, हर आइडिया, न्यूयॉर्क सबवे। तो इस तरीके से जो होते हैं ये हमारे पोजेसिव होते हैं। और पोजेसिव भी जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास पोजेसिव डिटरमाइनर प्रोनाउन होते हैं एंड पोजेसिव डिटरमाइनर प्रॉपर नाउन होते हैं। तो ये हमारे पास उसकी जो है कुछ टाइप्स आती है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस की, एक पोजेसिव प्रोनाउन है, एक प्रॉपर नाउन है। तो देयर आर ओनली 7 पोजेसिव डिटरमाइनर, तो टोटल 7 पोजेसिव डिटरमाइनर है, वो कौन कौन से है, माई है मेरा, यू आर तुम्हारा, हिज उसका अगर लड़का है, हर लड़की के लिए, ठीक है, इट्स चीजों के लिए, ठीक है, तो अवर हमारा, दियर उनका। तो ये हमारे जो है वो जो आपने प्रोनाउन में भी पढ़े होंगे, ठीक है, तो ये हमारे जो है पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, जो कि आपका हक जताते हैं प्रोनाउन के तौर पे। अब प्रोनाउन जो है वो एक्चुअली में नाउन की प्लेस में आते हैं, इन द प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की प्लेस में, नाउन को रिप्लेस करके जो है वहां पर आते हैं। लेकिन जो यहाँ पर फर्क आता है, डिफरेंस वो यही है कि जो डिटरमाइनर होंगे वो उनसे, नाउन से पहले आएंगे, तो ये इनका एक डिफरेंस है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ना है इनका इट्स का डिफरेंस, इट्स का डिफरेंस, ठीक है, ये हमने देखना है। यहाँ पर जो इट्स है ITS, इट्स, और ये इट, इसी तरीके से दियर है और ये दियर, इनका भी जो हमें डिफरेंस जो है वो नोट आउट करना होगा, इन पे जो है वो क्वेश्चन बनेंगे। यहीं पर अब हम एग्जांपल से समझ लेंगे, तो एक डेटर, एक पोजेसिव प्रोनाउन जो होगा उसे हम कब कहेंगे डेटरमाइनर। तो पोजेसिव प्रोनाउन जो होगा ये जब फॉलो होगा नाउन फ्रेज से, मतलब जो पोजेसिव प्रोनाउन है, जो हमने 7 पोजेसिव प्रोनाउन देखे उनके बाद जो है हमारा एक नाउन फ्रेज आना चाहिए। अगर उनके बाद एक नाउन फ्रेज आता है तो वो डिटरमाइनर कहलाएंगे। एग्जांपल हम पहला सेंटेंस देखेंगे, जैसे कि है हिज एसे वाज द बेस्ट, कि उसका एसे जो था बेस्ट था। तो एसे के लिए जो है वो उस एसे की जो है मोर इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, हिज दे रहा है। हिज माने उसका एसे, वाज द बेस्ट, तो हिज जो होगा वो एक डिटरमाइनर होगा। क्यों? क्योंकि ये एसे के मुतल्लिक, एक नाउन के मुतल्लिक जो है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अगला सेंटेंस हम देखेंगे, यहां पर क्या होगा, हिज वाज द बेस्ट एसे, तो उसका जो एसे था वो बेस्ट था, ठीक है। अब यहां पर जो हिज है, हिज के बाद जो है वो नाउन फ्रेज नहीं आया। अगर नाउन फ्रेज आएगा तो ही वो डिटरमाइनर होगा, जैसे कि हमने ऊपर रूल पढ़ा, बट अगर नाउन फ्रेज नहीं आता तो वो डिटरमाइनर जो है वो नहीं कहलाएगा, क्योंकि बिकॉज द डिटरमाइनर नीड टू प्रोसीड अ नाउन फ्रेज। वी कैन सी इन सेंटेंस 2 में हम देखेंगे नो नाउन फ्रेज फॉलोज द वर्ड हिज, ठीक है, तो हिज जो है वो नाउन फ्रेज को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये आपका जो था वो बेसिक डिफरेंस था, ठीक है। तो एक और यहाँ पर हमारे पास वे है इसे देखने का, चलो पहले ये देख लेते हैं पोजेसिव प्रॉपर नाउन के लिए, उतनी एग्जांपल आपके लिए काफी है, जब हम एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं
पोजेसिव हमने प्रोनाउन तो देख लिया, अब पोजेसिव प्रॉपर नाउन को देखेंगे। क्या होता है पोजेसिव प्रॉपर नाउन? तो पोजेसिव प्रॉपर नाउन के बारे में जानेंगे। देखिए एक प्रॉपर नाउन जो होगा अगर उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगता है, मतलब एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन जो होगा किसी का भी नाम हो सकता है, अगर उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगता है तो वह कहलाएगा पोजेसिव प्रॉपर नाउन। क्या कहलाएगा? पोजेसिव प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो हम एग्जांपल भी देखेंगे नीचे। जैसे मैरीज कार, मैरी जो था वो एक प्रॉपर नाउन था और उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा। ठीक है, तो अब ये जो है होंगे ये डिटरमाइनर कहलाएंगे, जो पोजेसिव प्रॉपर नाउन जो होते हैं, अगर प्रॉपर नाउन है उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा वो पोजेसिव शो पोजेशन शो करेगा तो वो डिटरमाइनर कहलाएगा अगर वो उसके बाद नाउन आता है। ठीक है, तो कनीज स्टूडेंट, तो ये भी नाम है, नाम के साथ एस लगा एपोस्ट्रॉफी एस उसके बाद नाउन आ रहा है तो ये भी हमारा डिटरमाइनर कहलाएगा। तो मिस्टर स्मिथ्स वाइफ, तो आप समझ गए ये कुछ चार पांच एग्जांपल्स हैं। तो इन्हें जो है हमें क्या कहेंगे, ये जो है जब एपोस्ट्रॉफी एस लगता है तो ये डिटरमाइनर बन जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन जो होंगे ये डिटरमाइनर बन जाते हैं। अब हमारे पास आ रहा है क्वांटिफायर। तो क्वांटिफायर जो है इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्वांटिफायर जो होते हैं ये वो वर्ड्स होते हैं। क्वांटिफायर कौन से वर्ड होते हैं जो क्या इंडिकेट करते हैं? पहले तो हमने बोला डिटरमाइनर क्या इंडिकेट करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन देता है नाउन के रिलेटेड, तो ये भी वही जो है इंफॉर्मेशन देंगे बट ये क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन देते हैं। मतलब क्वांटिफायर आर द वर्ड्स, वो वर्ड्स होते हैं दैट इंडिकेट द क्वांटिटी। क्या इंडिकेट करते हैं? क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं और अमाउंट ऑफ अ नाउन। तो एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे हमने पहले देखी थी कैट्स और कैट्स के पीछे फाइव लगाया था, तो मतलब फाइव कैट्स थी, वो भी क्या दे रहा था? क्वांटिटी बता रहा था कि कितनी कैट्स थी। तो अब यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे पेंसिल्स है, पेंसिल से पहले थ्री लगा मतलब थ्री पेंसिल्स, तो ये भी क्वांटिफायर होगा। कंट्री है, कंट्री से पहले जो है वो ऑल लगा तो ऑल कंट्रीज, ये भी हमारा क्या होगा? क्वांटिफायर होगा। इसी तरीके से सम बुक्स है, लिटिल टाइम है, ईच स्टोरी। तो कुछ कॉमन क्वांटिफायर की एग्जांपल जो होगी वो आपको याद करनी चाहिए और इसी से रिलेटेड जो है आगे क्वेश्चन भी हम करेंगे कि अब आपको जब क्वेश्चन आएंगे तो ये देखना होगा कि कौन सा डिटरमाइनर किस जगह लगेगा। तो हमारे पास आल है, ये भी हमारी क्या है वो क्वांटिटी बताता है, अमाउंट बताता है। ठीक है, एनी है, एनी भी जो है ये भी क्वांटिटी बता रहा है, ये भी हमारा अमाउंट बताता है। बोथ है, ये भी क्वांटिटी, ईच है, ईदर है, एनएफ है, एवरी है, फ्यू है, लिटिल है, मोस्ट है, मच है, नीदर है, नो है, सेवरल है, सम है, या कोई भी नंबर है, ये सिर्फ जो है वो क्वांटिटी बताते हैं, किसी भी नाउन की क्वांटिटी, किसी भी नाउन का अमाउंट बताते हैं, तो ये हमारे क्वांटिफायर कहलाते हैं। तो हम कंक्लूड करेंगे अपना इंट्रोडक्शन जो है, आज हमने डिटरमाइनर पे इंट्रोडक्शन जो किया कि डिटरमाइनर जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, वो डेमोनस्ट्रेटिव्स भी होते हैं। कब इन्हें जो है वो कहते हैं हम डिटरमाइनर, जब ये नाउन फ्रेज को फॉलो करते हैं। पोजेसिव्स भी हमने देख लिए, प्रॉपर नाउन और जो है वो कब पोजेसिव, और प्रॉपर प्रोनाउन जो है वो कब पोजेसिव जो है वो डिटरमाइनर कहलाते हैं। क्वांटिफायर भी हमने कुछ देख लिए। होपफुली स्टूडेंट्स ये वीडियो जो है इंट्रोडक्शन आपके लिए जो है वो यूजफुल होगा। क्वेश्चन करने से पहले जो है आप इसे देख लीजिए। ठीक है, आप हमें हमारे YouTube चैनल होम अकेडमी पे फॉलो करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जो है आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज से जुड़ना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।